हेलो फ्रेंड्स, आप सब का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एनी क्रिएशन। तो इस चैनल पे आपको मिलने वाले बहुत सारे एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज वाले वीडियोस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप जूम अकाउंट से कैसे क्लास शुरू करेंगे, किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने का तरीका क्या है एंड मीटिंग के अंदर आपको कौन कौन सी सेटिंग मिल जाती है, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो Zoom में सबसे पहली बात तो आप ID बनाएंगे, तो ID कैसे बनानी है इसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है, तो उसे आप आई बटन में जाकर के देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि ID कैसे बनानी है। अब आप अगर मुझे चाहे तो Instagram और Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि Zoom में मीटिंग को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। Zoom ऐप के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, तो आज मैं आपको उनमें से कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी मीटिंग को कैसे शुरू कर सकते हैं एंड मीटिंग को शुरू करने के दौरान आपको कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं एंड क्या क्या उसमें सेटिंग्स मिलती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे ही आप अपनी ID क्रिएट कर लेते हैं तो आपको इस तरह का सरफेस दिखाई देता होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट नीचे में देखिए ऑप्शन आपको मिलता है मीट एंड चैट का। यहाँ पे एक्स्ट्रा तीन और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बारी बारी बताऊंगी। तो पहले आज हम चलते हैं मीट एंड चैट में। जैसे ही आप मीट एंड चैट में आते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर में चार ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें मिलता है फर्स्ट न्यू मीटिंग, सेकेंड ज्वाइन, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेयर करने का। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि न्यू मीटिंग में क्या होता है। न्यू मीटिंग में आप न्यू मीटिंग शुरू कर सकते हैं, इट मीन्स न्यू क्लास शुरू कर सकते हैं एज अ होस्ट। तो क्लास शुरू करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको बस क्लिक करना है न्यू मीटिंग पे। जैसे ही आप न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है वीडियो ऑन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी ऑफ है, अगर मैं इसे ऑन करूंगी तो ये ब्लू हो जाता है। अब ये वीडियो ऑन रखना है या ऑफ रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। इसका काम क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कोई भी क्लास शुरू करते हैं और अगर यहाँ पे वीडियो को आप ऑन रखते हैं तो क्लास शुरू होते ही आपकी वीडियो बच्चे देख सकते हैं, आपको बच्चे देख सकते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन होंगे आपको डायरेक्ट वो देख पाएंगे। अगर आप वीडियो को ऑफ रखते हैं तो क्लास शुरू होते ही आप नहीं दिखाई देंगे, बल्कि अगर आपने अपनी DP लगा करके रखी हो अपनी ID में तो वो शो करेगी पार्टिसिपेंट्स को। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट अपना फेस दिखाना चाहते हैं बच्चों को या फिर आप थोड़ी देर वेट कर लेंगे पार्टिसिपेंट्स के लिए एंड देन अपनी वीडियो ऑन करेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसे ऑन या फिर ऑफ रख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है यूज पर्सनल मीटिंग ID का। अगर बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। पर्सनल मीटिंग ID ऑन करने से जब भी आप मीटिंग शुरू करेंगे तो यही ID पार्टिसिपेंट्स को डालनी होगी। तो पर्सनल मीटिंग ID को आपको ऑन ही रखना है, क्योंकि अगर आप पर्सनल मीटिंग ID को ऑन नहीं रखते हैं तो जब भी आप मीटिंग शुरू करेंगे तो एक अलग ID क्रिएट होगी एंड हर एक मीटिंग की अपनी एक अलग ID बन करके जाएगी। तो इससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो डेली बेसिस पे आपकी मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं या फिर आप एक टीचर हैं एंड आप क्लास लेना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप पर्सनल मीटिंग ID को हमेशा ऑन रखें, ताकि बच्चे सेम ID से आपको ज्वाइन हो सके। एंड यहाँ पे आपका पासवर्ड भी काफ़ी मैटर करता है, तो पासवर्ड भी आप सेम ही रखिए। पासवर्ड कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले इसे जान लेते हैं। इन दोनों सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से ऑन या फिर ऑफ कर लीजिए। देन मीटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है स्टार्ट अ मीटिंग पे। तो फिलहाल के लिए मैं अभी अपनी वीडियो को ऑफ कर लेती हूँ, ताकि जब मैं क्लास ऑन करूँ तो मैं ना दिखूँ, बल्कि मैंने जो अपनी DP लगाई है वो दिखाई दे। तो मीटिंग चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए जस्ट आपको स्टार्ट अ मीटिंग पे टच करना है एंड जैसे आप स्टार्ट अ मीटिंग पे टच करेंगे ये कनेक्टिंग लेना चालू करेगा। एंड देखिए ये यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे
टच करते हैं स्क्रीन पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। फर्स्ट में ऊपर में आपको मिलता है एक स्पीकर का ऑप्शन, तो स्पीकर को अगर आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये यहाँ पे स्पीकर बंद हो जाएगा एंड आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी, तो बेटर होगा स्पीकर को आपको ऑन ही रखना है। सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे जूम, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स खुल करके आ जाती है कि आपकी मीटिंग आईडी क्या है, ये किसकी मीटिंग चल रही है, होस्ट का नाम क्या है एंड पासवर्ड क्या है एंड इवन लिंक भी। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें आप सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप में या फिर जहां भी आपको उनको सेंड करना है एंड वो क्या करेंगे इस मीटिंग आईडी को डालकर पासवर्ड डाल करके आपके पास ज्वाइन हो सकते हैं। ये एक तरीका हुआ अपनी मीटिंग आईडी में पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करवाने का। अब सिंपल सा आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है एंड ये गायब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है एंड का, तो जैसे ही आप एंड पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलता है एंड मीटिंग फॉर ऑल एंड लीव मीटिंग। तो यहाँ आप कब क्लिक करेंगे, जब आपको आपकी मीटिंग को एंड करना हो, आपकी मीटिंग सारी खत्म हो गई या फिर जो क्लास ले रहे हो वो सारी खत्म हो गई, अब आपको क्लास बंद करनी है, तब आपको एंड करना है। एंड एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप होस्ट हैं यानी कि अगर आपने मीटिंग शुरू की है तो आपको यहाँ पे एंड मीटिंग फॉर ऑल पे क्लिक करना है, और अगर आपने मीटिंग ज्वाइन की है तो फिर लीव मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होस्ट है, आपकी क्लास है, तो आपको मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, तो आप ऊपर वाले पे करेंगे। तो खैर फिलहाल अभी हमें करनी नहीं है तो हम अभी दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। अब नीचे में आपको और भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट आपको मिलता है माइक का ऑप्शन जहाँ पे म्यूट लिखा हुआ है, सेकंड आपका स्टार्ट वीडियो, थर्ड शेयर एंड फोर्थ पार्टिसिपेंट्स एंड फिफ्थ आपको मिल जाता है मोर का ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट जो ऑप्शन है म्यूट उसके बारे में बता देती हूँ। ये आपका माइक है एंड इसे आपको ऑन रखना है या फिर नहीं रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। अभी आप देख सकते हैं ये वाइट दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये ऑन है, मीन्स जो भी मैं बोलूंगी मेरे पार्टिसिपेंट सुन पाएंगे। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपल इस पर टच करना है और ये रेड हो जाएगा, इट मीन्स अभी मैं जो भी बोलूंगी मेरे पार्टिसिपेंट सुन नहीं पाएंगे। जस्ट उसके बाद में आपको स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन दिखाई देता है, तो ये आप याद कीजिए फर्स्ट जब हम लोग क्लास शुरू कर रहे थे तो वहाँ पे वीडियो ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन दिखाई दिया था, तो अगर हमने उसे ऑन किया होता तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होता यहाँ पे। चूंकि मैंने यहाँ पे ऑफ किया था इसलिए यहाँ पे ये ऑफ दिख रहा है। अगर मुझे वीडियो ऑन करना हुआ वीडियो ऑन कर दूंगी एंड मैं वहाँ पे आपको दिखाई देने लगूंगी, बट मुझे करना नहीं है। एंड थर्ड में आपको मिलता है शेयर का ऑप्शन, देन आफ्टर पार्टिसिपेंट्स, देन आफ्टर मोर। शेयर के ऑप्शन पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस है, तो इसकी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। फोर्थ में जो ऑप्शन है वो आपका है पार्टिसिपेंट्स का, तो पार्टिसिपेंट्स में क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कितने बच्चों ने आपको ज्वाइन किया हुआ है एंड कितनों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, राइट। तो इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताऊंगी क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं। मोर के ऑप्शंस में भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, तो इसके लिए भी मेरे ख्याल से एक अलग वीडियो रहेगी तो वो ज़्यादा सही रहेगी। आज मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो माइक एंड वीडियो ऑन या ऑफ करना ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, ठीक है। एंड बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इनके बारे में भी आपको बहुत जल्दी जानकारी मिलेगी, एंड और भी इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मीटिंग एंड करने के लिए जैसे मैंने बताया था एंड पे क्लिक करना है, एंड क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो मैं सीधा एंड मीटिंग फॉर ऑल पे क्लिक करूंगी एंड तरह से मीटिंग एंड हो जाएगा एंड बैक जाने पे मैं वापस यहाँ पे आ जाऊंगी। तो देखा फ्रेंड्स, इतनी आसानी से आप जूम में क्लास शुरू कर सकते हैं या फिर कोई भी मीटिंग को शुरू कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड जूम से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, तो जूम से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है कि आपको स्क्रीन शेयर कैसे करना है एंड कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी, कोई भी सेटिंग्स, पासवर्ड चेंज कैसे करना हो, फोटो कैसे लगानी हो, तो सारे क्वेश्चन आप कमेंट में लिख डालिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको फिर से मिलती रहे। तो चलते हैं आज के लिए, बाय बाय।